फ्रेंड्स, अभी इंस्टाग्राम में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम किसी को रील्स सेंड करते हैं या फिर अगर किसी को मैसेज करते हैं तो डायरेक्टली आ जाता है मैसेज अनअवेलेबल, दिस कंटेंट मे हैव बीन डिलीटेड इट्स ओनर और हिडन बाय देयर प्राइवेसी सेट। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम अपने इंस्टाग्राम के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐप लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐप लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको इंस्टाग्राम करके सर्च कर लेना है। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम में आने के बाद जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको परमिशंस के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी परमिशंस अलाउ नहीं किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, कैमरा को अलाउ कर देना है, फिर से बैक आना है। इसके बाद आपको माइक्रोफोन को अलाउ कर देना है, फिर से आपको बैक आना है। और इसके बाद क्या करना है, आपको स्टोरेज को भी अलाउ कर देना है। करने के बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको मैनेज नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफ है, तो इसको भी आपको यहाँ से ऑन कर देना है, अलाउ नोटिफिकेशंस, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको स्टोरेज यूजर्स में चले जाना है। यहाँ से आपको क्लियर कैश करना है पहले, इसके बाद आपको क्लियर डेटा करना है, इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इंस्टाग्राम को एक बार प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद और ये सारा कुछ सेटिंग करने के बाद में भी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।